एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है पूरी एग्जीबिशन में। हम दिखा रहे हैं जो कि किस तरह से एक नॉर्मली इस तरह की चीज़ें हम फॉरेन में देखते थे कि फॉरेन में इस तरह की यूनिक चीज़ें होती हैं, लेकिन इस बार ऐसा मोटर है, इसकी स्पीड है 80+। अभी हम लोग इंडिया में इसे लॉन्च इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म हम लोग इससे ज़्यादा लॉन्च नहीं कर सकते हैं। सब कंप्लीट हो गया मार्केट में। हम ऑलरेडी का बाजार देखते हो आप? सर देखो, हमारा जो पर्टिकुलर जो हमारा जो मार्केट शेयर है, अगर हम बात करें टीयर 3 और टीयर 4 की हम बात सिटीज़ की बात करेंगे, रीज़न बीइंग क्या है कि टीयर 1 में जितना डेवलपमेंट होना था वो हो गया, अब वहाँ पे एक लिमिटेड है। उसके बाद जो अब मेजरली जो ग्रोथ दिखती है वो टीयर 2 और टीयर 3 को उसमें दिखेगी। तो उसके हिसाब से हमारा जो कस्टमर है वो स्कूल के बच्चे भी, जब इनके स्कूल खुलेंगे तो अब उनको साइकिल भी चाहिए। अब साइकिल जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ जन जन की बात जनहितैषी के साथ। सो दोस्तों, आज हमारा जो मुद्दा है वो है सी फोर्स एग्जीबिशन। जी हाँ, सी फोर्स एग्जीबिशन 12वां एडिशन जो है वो आज लुधियाना में शुरू हो गया है इंटरनेशनल एग्जीबिशन में, जहाँ अलग अलग साइकिल कंपनी, टायर कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। तो वहीं एक सेगमेंट है जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो है हॉट बना हुआ है, वो है ई बाइक, ई स्कूटर, ई साइकिल। सो इसी सारे संदर्भ में आज हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं जो सी फोर्स 12वें एडिशन में जो एक कंपनी आई है, इनके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। हमने नॉर्मली साइकिल या फोल्डेड और चीज़ें देखी थी, लेकिन यहाँ पे ई साइकिल हमने जो फोल्डेड देखा है, डिस्प्ले किया गया है। सो सर एक बार दिखाएंगे ये कैसे है, मतलब सो ये एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है पूरी एग्जीबिशन में। हम दिखा रहे हैं जो कि किस तरह से एक नॉर्मली इस तरह की चीज़ें हम फॉरेन में देखते थे कि फॉरेन में इस तरह की यूनिक चीज़ें होती हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ है कि ये इंडिया में भी डिस्प्ले हुआ है। सो जानते हैं कौन सी कंपनी है, कहाँ, किसने इसको बनाया और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। सर आपका नाम? मेरा नाम संकल्प सक्सेना है। संकल्प, मैं कंपनी का नाम क्या है? ई मोटोरेट हमारी कंपनी का नाम है, जिसमें हम लोग ई मोबिलिटी पर अपना हम लोग जो हमारा कंपनी का विज़न है वो ई मोबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। जिसमें अभी हम लोग रिसेंटली 2 से 3 प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च करें, बाकी रेंज हम लोग मोस्ट पॉबली फेस्टिव सीजन में लॉन्च करेंगे। जिसमें हमारी रेंज लगभग स्टार्ट होती है, लगभग 39,000 से स्टार्ट होती है एंड गोज अप टू 1-1.25 लाख तक की अपने पास साइकिल है। जो कि यहाँ पे डिस्प्ले भी है। अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास जो स्टार्टिंग रेंज है वो इस रेंज से स्टार्ट होती है, जिससे इसको टीरेक्स एक बाइक कहलाती है। इसके जो फीचर्स हैं, इसमें फीचर्स हैं आप पैडल से भी नॉर्मल चला सकते हैं, इसका आप बैटरी पर भी नॉर्मल चला सकते हैं। ज़्यादातर कंपनियाँ इसी मॉडल पर फोकस करती हैं। तो बट इसकी जो मेजरली जो ई बाइक का जो मेन चीज़ होती है वो होती है उसकी रेंज। हम जो रेंज क्लेम करते हैं, हम लोग रेंज क्लेम करते हैं 50 से 50+ हम लोग रेंज क्लेम करते हैं पर्टिकुलर। तो 50+ रेंज का मतलब, अगर आप नॉर्मल, अगर कहीं 50 किलोमीटर आप नॉर्मल कहीं पे भी जाएंगे तो 50 किलोमीटर एक आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ऊपर है। अगर आप 50 किलोमीटर में एक चार घंटे के चार्ज में अगर आप जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहती है ये चीज़, जिसमें आपका बचत भी होती है और आपकी हेल्थ भी बनती है। जी सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे इस सेगमेंट पे आप कर रहे हैं, आपने बोला इसका 35,000 के आसपास, 39,000 की है बाइक की हमारी। इन सब में कहीं हमें कोई लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं सर? लाइसेंस जो इंडिया एज पर द इंडियन नॉर्म्स में जो लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, अगर स्पीड लिमिट होती है 25+ के ज़्यादा में होती है, उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है। बट इसकी जो लिमिट है, एज लिमिट, जो स्पीड लिमिट है वो 25 किलोमीटर हम लोगों ने रखी हुई है, जिसकी नॉर्मल 25 किलो भी अगर टाउन में निकाले तो बहुत हो जाती है 25 किलोमीटर। मैं चाहूँगा, जैसे आपके यहाँ पे हमें वैरायटी ऑफ ये मिल रहे हैं, जैसे ये आपने एक पोर्टेबल बनाया है, सो ये आइडिया कहाँ से आया? प्योरली इंडियन कंपनी है आपकी? जी हाँ, प्योरली हम लोग इंडियन कंपनी है। इसके साथ अभी हम लोगों ने इंडिया ऑपरेशन स्टार्ट करा, इससे पहले हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे यूरोपियन कंट्रीज में, हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अदर देन यूरोप में। अभी हम लोगों ने फैसिलिटी अपनी डेवलप करी है पूना में, तो अभी हम लोग धीरे धीरे डेवलप करें। बीइंग इंडियन कंपनी, मेक इन इंडिया कंसेप्ट काइंड ऑफ थिंग्स, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग अपना इंडिया प्रोडक्ट जितना फोकस करें इंडिया मार्केट पर ही करें। तो उस चीज़ का अभी हम लोग का जो टोटल फेकर, ये आपने फोल्डेड साइकिल हमें जो दिखाया, इसको भी साइकिल ही बोलते हैं? जी हाँ, साइकिल ही बोलते हैं इसको। रेंज में है ये? रेंज आती है सर 86,000 के आसपास की रेंज आती है ये। इसकी भी लिमिट वही 25 ही है सर? इसकी जो रेंज आती है
स्पीड लिमिट सबकी 25 है, 25 से ऊपर आपको लाइसेंस और उसका आपको 25 में हमने लॉक किया हुआ है, 25 से पहले हम लोग नहीं लॉक किया हुआ है। अगर रेंज की बात करें, इसकी रेंज आ जाती है लगभग 80, मतलब एक चार्ज में 80 से 70-80 के आराम से चल सकती है ये। सो अभी इंडियन जो मार्केट है, कंज्यूमर है, वो इसको कैसे एक्सेप्ट कर रहा है? सर देखो, अभी ये कॉन्सेप्ट हम अभी बात करें, ये आने वाले 3 से 4 साल आगे की बात है, क्योंकि अभी लोगों को फोकस नहीं है प्रोडक्ट के बारे में कि ई बाइक एग्जैक्टली क्या है, क्या उसमें चीज़ें आती हैं, कि यहाँ तक कि कुछ कंपनीज का फोकस नहीं है। अब जैसे जैसे डिमांड आ रही है, बड़ी बड़ी कार कंपनी भी आजकल ई बाइक में व्हीकल करें, टाटा ले लो, हिंडई ले लो, आज सच कुछ लॉन्च कर रहे हैं अपना ई व्हीकल, तो सबको धीरे धीरे उसके बारे में पता लगा है। और ई मोबिलिटी एक ऐसा है कि आपका कॉस्ट इफेक्टिव है, सबसे बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, साथ में आपको हेल्थ भी आपका है कि आजकल लॉकडाउन के चलते लोगों की हेल्थ खराब हो गई है, तो नेचुरल कुछ ना कुछ एक यूज़ रहता है। तो पॉइंट हेल्थ पर मॉडल है आपकी कंपनी? अभी फिलहाल हमारे पास, अभी हम जो इंडिया में लॉन्च अभी जो फिलहाल लॉन्च करें दो करें, और आने वाले दिसंबर तक हम वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अबाउट 5 हम लोग लॉन्च करेंगे, 5 प्रोडक्ट्स और लॉन्च करेंगे। फॉरेन में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो? वो सर वो मोर देन 25 है, मोर देन 25 है। मैं देख रहा हूँ आपने कुछ ऐसे उस तरफ और भी मॉडल्स रखे हैं, तो ये क्या है इनके बारे में सर? मैं बताता हूँ। जी जी जी, प्रोडक्ट भी देख रहे हैं, सो जानते हैं सर ये क्या है नया? सर ये हमारी एक मैग्नम रेंज आती है, इसकी जो कॉस्ट है ये 1,75,000 रुपये के आसपास है। इसकी जो सबसे बड़े फीचर है, इसमें जो मोटर लगी हुई है वो 1000 वाट की मोटर लगी हुई है, और जो इसकी स्पीड आती है वो 80 प्लस के आसपास रहती है। बट एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स अभी हम लोग उसे लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लिमिट बांधी हुई है कि 25 किलोमीटर से आप ज़्यादा नहीं जा सकते, तो इसको अभी हम लोग इंडिया में होल्ड पर रखा हुआ है। जब एक बार गवर्नमेंट गो हेड बोल देगी, देन वी कैन प्लानिंग टू लॉन्च। इसको आपने इंडियन मार्केट के इंडियन रोड के हिसाब से बनाया या एक्सपोर्ट? इंडियन रोड के हिसाब से बनाया। सबसे बड़ी है कि सबसे इंडिया का जो मार्केट है, रोड्स का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पता ही है क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी बात है एक तो आपका 100 मोर देन 150 mm का तो आपका इसमें शॉकर्स लगा, जो कि लॉक इन लॉकआउट के साथ है। जब आपको गड्ढे लगे तो आपने लॉक इन कर दिया, उसको लॉकआउट कर दिया, तो उससे कम्फर्ट है। और एक बीच में और लगा हुआ है जो कि आपको और कम्फर्ट देता है, राइट, आपकी कमर और में झटका नहीं आता है। दूसरी बात है हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है, कि फिंगर से एकदम से ब्रेक लगते हैं, कि फिंगर्स भी बहुत अच्छे हैं ब्रेकिंग सिस्टम में। तो इस चीज के अभी धीरे धीरे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, यस थोड़ा टाइम लगेगा इस प्रोडक्ट रेंज में आने में, बट हाँ आपकी बात कहें तो अभी जो जो प्रोडक्ट हैं हमारे ईट मोटर जो है, ये सारे के सारे अभी R&D मोड पे चल रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री R&D मोड पे चल नहीं, रही नहीं, है सर, हम लोग ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं ये हमारा, ये इसको छोड़कर बाकी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वी आर प्लानिंग टू लॉन्च इन दिसंबर, फेस्टिव सीजन में हम लोग लॉन्च कर देंगे। R&D सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ एवरीथिंग इज फाइनल, बस मार्केट में की बात कर रहा था मैं, R&D नहीं, मार्केट कंप्लीट हो गया, सब कंप्लीट हो गया मार्केट में। हम ऑलरेडी का बाजार देखते हो आप? सर देखो, हमारा जो पर्टिकुलर जो हमारा जो मार्केट शेयर है, अगर हम बात करें Tier 3 और Tier 4 की, हम बात सिटीज़ की बात करेंगे, रीज़न बीइंग क्या है कि Tier 1 में जितना डेवलपमेंट होना था वो हो गया, अब वहाँ पे एक लिमिटेड है। उसके बाद जो अब मेजरली जो ग्रोथ दिखती है वो Tier 2 और Tier 3 वो उसमें दिखेगी। तो उसके हिसाब से हमारा जो कस्टमर है, वो स्कूल के बच्चे भी, जब इनके स्कूल खुलेंगे तो अब उनको साइकिल भी चाहिए, अब साइकिल, अब बच्चे स्कूटी भी आजकल नॉर्मल 1 लाख रुपये के आसपास है, अगर पेरेंट्स को देनी है कि उसको हेल्थ कॉन्शियस भी रहे, तो क्यों ना उनको साइकिल गिफ्ट की जाए, कि ई बाइक से इसमें स्कूटी का भी काम हो जाए और हेल्थ भी बनी रहे। तो हमारा फोकस मेजरली सारे उस पर ही है कि हम लोग एज मतलब यूनिसेक्स हैं हम लोग, के ये है कि हम 10 साल से लेकर 50-60 साल तक का बच्चा आराम से हमारे, मतलब लोग आराम से हमारी साइकिल राइड कर सकते हैं, जो कि कंफर्टेबल रहता है। तो इस समय आपकी कंपनी कितना साइकिल बना रही है? सर देखो, बनाने के बाद जो है कि अभी हम लोग महीने की जो साइकिल बेचने करीब, हम लोग महीने की जो सेल आउट कर रहे हैं करीब 800 से 900 साइकिल हम लोग सेल आउट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा नंबर है कि इंग्लिश पुरानी कंपनी। और जो अभी हम लोगों का जो यूनिट लगी है पूना में, वहाँ पे हमारा प्लान है कि 200 साइकिल पर डे की यूनिट है हम लोग वहाँ पे मैनुफैक्चर। मार्केट के लिए है या वो यूरोपियन और इंडियन दोनों के लिए है? हाँ, दोनों के लिए करेंगे मेजरली, जो प्रोडक्ट दोनों में बिक जाए। यस कुछ चेंजेस हैं एज पर द यूरोप नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, बाकी प्रोडक्ट्स में कोई सेम वही चीज़ है। तो क्या कहना चाहोगे कंज्यूमर को, आपने लुधियाना में एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है? देखिए कंज्यूमर से मैं कहूँगा कि घर छोड़िए, घर से बैठे बैठे बहुत आप लोगों ने लॉकडाउन में ऑलरेडी 2 साल निकाल दिए हैं, कम से कम एक बार निकले, क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या क्या, क्योंकि आजकल यही एक सेक्टर है जहाँ पे बूम है, चाहे वो कोई भी सेक्टर ले लीजिए। जब लोगों को पता नहीं है कि लोगों को ई बाइक के बारे में पता नहीं है कि ई बाइक्स होती क्या हैं, एक बार आइए, फाइल रीड करिए, यहाँ पे राइड करिए, फील करिए कि एग्जैक्टली ई बाइक की राइड क्या होती है, क्या उसके मजे होते हैं यूज़ करने के लिए। तो मैं देखिए घर से निकली और एक बार यूज़ करिए। थैंक यू सर। सो दोस्तों, ये सीखे संकल्प जी जिन्होंने ई मोटर्ड कंपनी दे माध्यम तो लुधियाना दे विच 12वीं सीफोर्स दे विच अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए, इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी, इन्होंने फ्यूचर दे बारे भी बहुत अच्छा दसिया कि इस सेगमेंट का फ्यूचर बहुत अच्छा है। सो उम्मीद करते हैं कि तुसी अगले 2 दिन दे विच इत्थे ही हैगे, तो जिहड़े इन्हां दी टेस्ट ड्राइव जिवें इन्होंने किया, आके टेस्ट जरूर करोगे प्रोडक्ट्स नूं।
बाकी तुहानू पसंद आंदा नहीं आंदा वो तुहाडी परसनल लाइकिंग है। एदां ही वख वख अपडेट्स नाल तुहाडे नाल रूबरू होंदे रहांगे। देखते रहो, बने रहो जन हितैषी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।